आज तो मजा आ गया एकदम से। आज आपके 4 जनवरी के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, आज मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों के जो कमेंट थे उसी में से मैंने सारा क्वेश्चन क्रॉप करके ये आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। और वाकई में बताऊँ तो आज सच में मजा आ गया। आज मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था ज्योमेट्री का, मैंने आपको बोला था कि देखना आने वाले समय में आपसे हो सके तो समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या पूछ ले, और वही हुआ। आज आपके 4 जनवरी यानी सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप देख सकते हो ये आपका किसी ने कमेंट किया था और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने जो आपको बोला और वो आज ही के शिफ्ट में आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल गए। और आपके जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी ये तो सेकेंड शिफ्ट में थे, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका सिमिलर ट्रेंगल पर बेस क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मैंने आपको बोला था ना, ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब उसी के अंदर से ही बनेंगे। तो चलो अब मैं आपके सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आज पूरे दिन भर का क्वेश्चन था। और जैसे कि मैंने बताया, सारे क्वेश्चन आपके ही मैंने कमेंट से क्रॉप करके सारे क्वेश्चन लिया है, और मैं कह सकता हूँ सारे क्वेश्चन आपके 98%+ आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। औरों की तरह सारा क्वेश्चन मेरा फेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग अलग अलग क्वेश्चन कराते हैं, बट ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा मैंने खुद से वेरीफाई करके ही सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। यहाँ पर सबका एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके कमेंट्स में से क्रॉप किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में थोड़े थोड़े एरर है, तो उस एरर को मैं अभी आपके सामने ठीक कर दूंगा। बाद बाकी हल्का बहुत एरर चलता है, आपको केवल यहाँ से समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। बाद बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिस तरीके से करते रहो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया था आज में कि आपका एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यानी आपको नॉर्मली क्या बोला था क्वेश्चन में कि कोई एक समकोण त्रिभुज में ट्रैंगल आपका ए बी सी है, यानी कोई राइट एंगल ट्रैंगल है ए बी सी है, जिसका बी सी आपको दे रखा था 12, ठीक है। आपको साथ में ए बी यानी ये वाला भुजा भी दे रखा था 5। आपसे पूछ लिया था कि इसके अंदर में एक सर्कल बन रहा है, यानी इसके अंदर में एक सर्कल है, उसका रेडियस आप मुझे बताओ। तो आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर। मैंने क्या बताया था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले आपको ये भुजा की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इनर रेडियस आपको अगर ऊपर निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P+B-H/2, यानी आपका लंब प्लस आधार माइनस आपका कर्ण हो जाएगा बटा 2, यानी मैं कह सकता हूँ 12 5 17, और 17 में से 13 जाएगा 4, तो 4 बटा 2 2, यानी इसका अंत त्रिज्या क्या बन जाएगा, 2। अब आपसे क्वेश्चन में आपसे इस सर्कल का एरिया भी पूछ सकता था, या फिर सर्कमफ्रेंस भी पूछ सकता था, तो कुछ भी पूछे करना आपको इसी तरीके से है। अगर आपके पास रेडियस आएगा तभी तो आप कुछ निकाल पाओगे ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। एक क्वेश्चन ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, टेन 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री का वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसका डायरेक्ट से मुझे वैल्यू पता है, इसका डायरेक्ट वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा 4। अब कैसे हो रहा है ये चीज़ को समझो। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहते थे वैसा बना सकते थे। अगर आपको टेन 15 का भी वैल्यू अगर आपको पता होता, तो आपको पता होता है टेन 15 का वैल्यू क्या होता है, 2 √3 होता है। अब आपको पता है टेन 15 का वैल्यू और कॉट 15 का वैल्यू यहाँ पास है, तो कॉट 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 2 √3 हो जाएगा। अगर आप इसको भी रेशनलाइज कर दोगे यानी कंजुगेट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 + √3 2 + √3। ध्यान से देखो नीचे क्या बन गया, a+b a-b, यानी नीचे क्या बन गया, 1 बन गया, तो √3 √3 कैंसिल, यानी 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपको टेन 15 का वैल्यू पता होता तो, अगर आपको टेन का 15 का वैल्यू अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे। कैसे, तो टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला के मदद से। ये भी मैंने आपको आरआरबी जेई का जब मैं क्वेश्चन कराता था तो वहां पर इस पर बेस्ड, इस तरीके के बेस्ड पर क्वेश्चन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो ये चीज से भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं, अगर आपसे टेन ए प्लस बी मतलब आपका, या फिर टेन ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ से 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ए माइनस बी का मदद करेंगे, क्योंकि 45 - 30 करेंगे तो 15 बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में टेन 75 डिग्री का वैल्यू पूछ लेता तो फिर क्या करते, प्लस करके बनाते फॉर्मूला को, बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, अगर आपको ये सब चीज़ पता होगा तो आप कभी भी नहीं फंसोगे कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो गया टेन ए प्लस माइनस बी, ठीक है, किसी चीज़ का भी फॉर्मूला, मैं दोनों का लिख दे रहा हूँ।
तो अगर टेन ए माइनस बी, चूंकि यहां पर मुझे ए माइनस बी ही आपका अप्लाई करना है, ठीक है, तो टेन ए माइनस टेन बी, अब ऊपर माइनस है तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा, यानी वन प्लस टेन ए प्रोडक्ट में टेन बी। तो ये हो गया फॉर्मूला माइनस का, और जब प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो टेन ए प्लस बी, और नीचे में क्या हो जाएगा फिर, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये फॉर्मूला जब जानते हो, साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी, तो ये सब फॉर्मूला की मदद से आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो भी वैल्यू अगर आपका 75 डिग्री का वैल्यू पूछ ले, या फिर आपसे 90 और 45 की तरह 135 डिग्री का वैल्यू पूछ ले, तब जाके इस फॉर्मूला के हम लोग मदद से जल्दी निकालते हैं। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप यहाँ से ये भी समझ सकते थे कि टेन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन 45 माइनस 30, क्योंकि हम लोगों को 45 का वैल्यू पता है और 30 का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको निकालते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप ऐसे भी निकाल सकते, तो मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने जो फॉर्मूला लिखा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, वन, माइनस टेन 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे आपका वन प्लस प्रोडक्ट में आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 एज इट इज हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, √3 - 1, और नीचे हो जाएगा √3 + 1, क्योंकि ये तो ऐसे कट जाना है। तो अब आपका इतना वैल्यू आया, अब हम इसको एक बार जब कंजुगेट कर देंगे, एक बार जब आप कंजुगेट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ना, यानी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 - और आपका क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3 से 1 जाएगा 2। अब आप देख सकते हो, यानी 4 - 2√3/2। अब 2 अगर कॉमन लेंगे तो मेरा नहीं आ जाएगा वैल्यू 2 - √3, जो मैंने आपको डायरेक्ट शुरू में बताया था। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते थे। ठीक है, चलो अब एक तो आपका लास्ट मेथड है, जो आपका बेसिक है, जो बहुत बेसिक है, आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पता है 10 15 है, तो 10 15 को आप क्या लिख सकते हो, sin 15। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मेथड अभी मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये वाला फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, sin 2x का फॉर्मूला, या फिर sin 2 थीटा का। यहाँ पर क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x * cos x। अगर ये दोनों में से अगर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पता होता, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाते। बात खत्म है, सीधा बात समझो। तो अभी हम लोग जो बनाएंगे इसी फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 15 / cos 15। मैं एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ, ताकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छे से समझ नहीं आ पाती, अगर मैं डायरेक्ट समझाऊँ तो। बाद बाकी जहाँ पर जरूरत पड़ेगा, जो जल्दी बनने वाला चीज़ है, वो मैं जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin² 15 डिग्री और cos² 15 डिग्री। तो हमको पता है sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1 होता है। नीचे क्या बन गया आपका, cos 15 डिग्री, और ये आपका sin 15 डिग्री। अब हम लोग वही फॉर्मूला के उसको बनाएंगे, वही फॉर्मूला में इसको लेके जाएंगे। तो ऊपर न्यूमिरेटर में हम लोग 2 से गुना किए, तो नीचे भी हमको 2 से गुना करेंगे, जिससे मेरा मैथ बैलेंस रहे। अब आप देखो नीचे में क्या बन गया, 2 cos θ sin θ, एंगल दोनों जगह सेम है, तो मतलब क्या हो गया, ऊपर आपका 2 हो गया और ये 2 आपका वहां चला जाएगा, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन गया sin 30 डिग्री। अब आप sin 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो, 1/2, यानी 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 4। तो ऐसे भी आप इसको डील कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। चलो, काफी कुछ मैंने बता दिया एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीका से पूछा गया था, क्वेश्चन मैंने बताया ना, क्वेश्चन जैसे थे आप लोग मिले, मैंने डायरेक्ट आपका क्रॉप कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या एक्चुअली बोलने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये लिखे हैं कमेंट किए थे। क्या बोला गया था कि 41,000 रुपये का मतलब 41,000 रुपये में कोई आपका 2 सामान खरीदा जाता है। ठीक है, 41,000 रुपये में कोई 2 सामान खरीदा जा रहा है, जिसमें एक सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 15% लॉस पर बेचा जा रहा है। सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी जो विक्रय मूल्य है दोनों केस में वो बराबर है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस नहीं, दोनों का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, पूरे हो बहू क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, जो भेजा गया, वही मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने वेरीफाई भी किया है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे डील कर सकते थे, आपको पता है 41,000 रुपये में 2 सामान को खरीदा गया है। ठीक है, 2 सामान को खरीदा गया है, एक को अब आपका 20% में बेचा गया है और एक को 15% के लॉस से बेचा गया है। आपको साथ में ये भी हिंट दे रखा है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है,
तो आपको पता है भाई कि ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मैं इसको यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। ये देखो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा है। उसी तरीके से 15% का लॉस हुआ है, यानी मैं कह सकता हूँ 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 20 का सामान में, 20 का सामान में कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है 20 का सामान में ये 17 का लॉस हो रहा है ना। चलिए ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 20 और 3, ठीक है 3 का लॉस हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम लोगों का भी हक बनता है कि सेलिंग प्राइस को सेम करना। तो यहाँ पर हम लोग 17 से गुना कर देंगे और यहाँ हम लोग 6 से गुना कर देंगे, जिससे मेरा सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर आ जाए। तो 17 गुना 6 कितना होता है, 102। गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर गुना करेंगे, यानी ये 17 का यहाँ से गुना होगा, ये 17 का यहाँ पर गुना होगा, यानी 17 पच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 17 दो मतलब 34, यानी 340 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो 41,000 का जो सामान है वो आपका 85 और 340, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8 4 12 और 3 1 4, यानी ये 425 का वैल्यू 41,000 के बराबर होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका जो 41,000 का जो वैल्यू है वो आपका 425 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा है, डाटा जैसा है, उसके हिसाब से 425 का वैल्यू अगर 41,000 के बराबर होगा, तो आप 85 का वैल्यू और 340 का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से, बहुत आसानी से निकाल लोगे, मगर यहाँ पर डेटा पूरे पूरे क्लियर नहीं है, जिस कारण से आपके उतने एग्जैक्ट नहीं आ पाएंगे, मगर ऐसे ही आपको करना था क्वेश्चन को डील। क्लियर हो गया सभी लोगों को, तो इस तरीके से आप डील कर सकते थे क्वेश्चन को, क्योंकि इसी रेशियो में, अब आपके मतलब इसी रेशियो में वो सामान को खरीदा गया था, तो दो सामान थे, ठीक है समझ गए सभी लोग। एक क्वेश्चन ये था कुछ इस तरीके से भेजा गया था, क्या बोला गया था कि देखो एन को 9 से भाग करने पर 4 शेष बचता है, तो 2n को भाग करते हैं तो क्या शेष आएगा। अब यानी n को जब 9 से हम लोग भाग करते हैं तो शेषफल में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी रिमाइंडर में 4 बच रहा है, ठीक है। यानी इफ n एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई n, मतलब सॉरी 9, जब कोई n कोई नंबर है, जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा को 4 बच रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि अगर हम 2n को अगर हम भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, यानी इसी 2n को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मेरे भाई रिमाइंडर जस्ट उसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो जस्ट पहले का 2 टाइम्स होगा, क्योंकि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जो पहले नंबर से डिवाइड किए थे, अभी भी वही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो मेरा पहले रिमाइंडर बच रहा था उसका भी 2 टाइम्स मेरा रिमाइंडर बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 8 आपका रिमाइंडर बचेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एन अगर वो नंबर है तो मैं मान सकता हूँ अगर एन को 9 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 4 बच रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, 13 हो सकता है, यानी एन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 13। क्योंकि अगर आप एन को मतलब आपका 13 को अगर आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब आपको पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो या फिर इसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, रिमाइंडर मेरा सेम ही आएगा, वो चीज़ भी सेम ही रहेगा। तो बस अब आप देख सकते हो अगर 13 का डबल करेंगे 26, अब 26 को अगर आप 9 से भाग दोगे तो 18 और यहाँ पर आपका 8, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा कि नहीं बचा, बात समझे। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे सेकेंड शिफ्ट में, क्या बोला गया था कि 10 लड़के और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 16 आदमी 4 लड़के 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, आदमी और लड़के का क्षमता का अनुपात पूछा था, यानी इसको इफिशियंसी के रेशियो पूछा था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी मैं कह सकता हूँ 10 लड़के यानी 10 बॉयज़ और 16 मैन ये 9 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं, साथ में वही काम को 16 आदमी यानी 16 मैन और 4 लड़के यानी 4 बॉयज़ 10 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का तो देखने से हुलिया थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 10 लड़के यहाँ थे और 16 आदमी यहाँ थे, तब जाके 9 दिन लगा। अब आपका 16 आदमी अभी भी इधर ही है और यहाँ पर 4 लड़के अब हो गए और अभी भी आपका 10 दिन लग रहा है, या पहले 9 दिन लगा था 10 दिन, ठीक है जैसा भी है। क्वेश्चन क्या है, मैं बना के चलता हूँ, एम और बी का रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, ये 90 बी हो जाएगा, 90 बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 बी, 40 बी, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 बी हो जाएगा,
ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पर 16 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर कितना आपका एम है, 160 है एम है, ये 144 एम आपका इधर आ जाएगा, यानी कितना बच गया आपका, यानी 16 बच गया। ठीक है, 160 में से 144 जाएगा तो 6 यहाँ हो गया, 10 यानी ये आपका 16 एम हो गया। अब ये 60 एम किसके बराबर है, 50 बॉयज़ के बराबर है, यानी मैं इसको अगर थोड़ा सा हल्का से इरेज कर दूँ, अगर इसी डाटा के अकॉर्डिंग अगर मुझे आंसर बताना पड़े तो क्या हो जाएगा, बी बाई एम का रेशियो क्या निकल के आ गया, बी बाई एम का रेशियो 16/50 निकल के आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो चार चार से तो कटेगा नहीं, 2 से काटोगे तो 8 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी उन लोगों के बीच में इफिशियंसी 8 और 15 की होगी। ठीक है, तो रेशियो क्या पूछा था, मैन और बॉय का पूछा था, तो सॉरी 25 और 8 हो जाएगा, ये चीज़ का भी ध्यान देना। क्लियर है फिलहाल आप सभी लोगों को? चलिए मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन को हटा के आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था, ठीक है, देख लो, ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड था, समांतर त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब बताओ, ये सब मैंने नहीं बताया ज्योमेट्री वाले वीडियो में, बहुत क्लियर बता चुका हूँ, चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि कोई भी दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल अगर आपस में आपका सिमिलर है, तो उसके उसके सिमिलर अगर दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके क्रोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, उनके क्रॉस मतलब उनके हाइट का भी रेशियो इक्वल होता है, उनके मध्यिका का रेशियो भी इक्वल होता है, उनके पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होता है। तो बस आपको ये चीज़ तो यहाँ भी करना था, कुछ अलग थोड़ी था। ये मान लो ए बी सी ट्रैंगल है और पी क्यू आर ट्रैंगल है, इसका एरिया 64 है और इसका एरिया 121 है, और एक ट्रैंगल का आपको हाइट दे रखा था 16 और दूसरे का आपसे पूछा था हाइट, यानी इसका पूछा था मान लो वर्टेक्स, यानी ये आपको 16 दे रखा है, साथ में ये आपको 64 भी दे रखा है एरिया, और ये इसका एरिया 121 हो गया। तो डायरेक्ट आप जानते हो इस ट्रायंगल का एरिया यानी ए बी सी और इस ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट यानी जो आपको दे रखा था, जो भी होगा वॉट एवर आपका 16 है तो 16 ही मैं लिख देता हूँ, और इस वाले एक्स का वैल्यू निकालना था। तो नहीं कर लेते, ये सिंपल से 8/11 इक्वल टू 16/x, यानी 8 से काटेंगे 2 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 22, खत्म। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इफ ए और बी का रेशियो दे रखा था और एच सी एफ ए और बी का 15 दे रखा था, फाइंड देयर एलसीएम। तो कोई दो नंबर है, आपको पता होगा कि अगर कोई दो नंबर है यानी अगर ये दो नंबर के बीच में अनुपात 3 और 4 है, यानी वो नंबर क्या होगा, 3x और 4x होगा, यही वो नंबर होगा ना, 3x और ये 4x, तो एच सी एफ में क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसी एक्स का वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दे रखा है 15। सीधी सी बात है, एक्स मेरा कॉमन है और एक्स का ही वैल्यू दे रखा है 15, यानी ये नंबर क्या हो गया, 15 चौके 60 और 15 3 45, आपसे दोनों का एलसीएम पूछा था, तो बता दो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और तो कोई नंबर नहीं है नियर, 120 तो होना नहीं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर का ही मल्टीपल में कोई आपका होगा, 120 होगा नहीं तो 180 होगा, जो कि 180 कट रहा, यानी आंसर हो जाएगा 180। एलसीएम और एचसीएफ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन या फिर रेशियो का बोलो जो बोलो क्वेश्चन, ये पूछा गया था, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा था, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे रखा था, आपसे एक्स और वाई का अनुपात पूछा था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यही इसीलिए मैं बोलता हूँ जिनको भी मैथ से डर लगता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में रहेंगे, तो ये सोच के आपको थोड़ा सा अपने आप को हौसला देना होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे कम से कम बनाना है पेपर में, बात समझ गए? फिलहाल आप देख सकते हो एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में और माइनस में है, यानी 25 प्लस 15 40, और 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 25 और 15 का डिफरेंस 10, यानी 10 का आधा 5, यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, तो एक्स और वाई यानी 20 और 5 मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 1 के अनुपात में आ जाएगा, आंसर 4 और 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये बोला गया था कि ए बी और सी साथ में आपका काम करता है किसी काम को 16 दिन में, अगर उसी काम को जब ए और बी मिलकर करता है तो 48 दिन लगते हैं, आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन सी टू कंप्लीट द वर्क एलोन, यानी ए बी सी का काम दे रखा है आपको,
16 दिन में, और साथ में आपको ए और बी का भी काम दे रखा है 48 दिन में, आपसे सी के बारे पूछा है, तो आप इसको एक यूनिट नहीं मान लोगे आसानी से, तो इसको भी एक यूनिट मान लो। अब आपको पता है कोई दो लोगों का काम दिया जाए और आपको से किसी एक का काम दे के और किसी दूसरे से पूछे, तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हो, 16 गुना 48, और दोनों के बीच में अंतर कितना है आपका, 32 का अंतर है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, 24। बात खत्म, कोई आपको लेने का जरूरत नहीं है एलसीएम वलसीएम। उम्मीद करता हूँ इतना कुछ तो पता आपको हो गई। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से, केवल देखने में ट्रिग्नोमेट्री का है बट क्वेश्चन अलजेब्रा पर बेस्ड है। 10x cot x दे रखा था आपसे, इतना का वैल्यू पूछा था। अगर आपको मैं बोलूं कि ये 10x है, ठीक है, ये 10x है, 10x, आप मुझे बताओ मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे जरूर लिख सकते हो, क्योंकि 1/10x ही क्या होता है, cot x के बराबर होता है। अगर यहाँ पर अगर मैं 10x को अगर मैं x मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, x+1/x=5, यानी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था और आपसे पूछा था ये वाला, यानी सिंपली आपसे पूछा था x²+1/x² का वैल्यू, समझे। है क्वेश्चन अलजेब्रा का बट ये ट्रिग्नोमेट्री का चादर ओढ़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर 25 और -2 यानी 23 हो जाएगा। ये सब तो आपको आ रहा है ना समझ में, इसमें तो कुछ किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये सब में भी डाउट है तो फिर बहुत दूर है आपके लिए एनटीपी से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, द एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी किसी वृत्त का आपको एरिया, मतलब आपको किसी सर्कल का आपको क्षेत्रफल दे रखा था, एरिया 154 सेंटीमीटर, आपसे उसका सर्कमफ्रेंस पूछा था, यानी आपसे 2πr का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, और ये वाला वैल्यू दे रखा कितना, 154 के बराबर। बना सकते हो जैसे बनाना बनाओ यार, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, इसका मतलब समझ रहे हो, 22 से कितने बार में काट दोगे, 7 बार में काट दोगे, यानी रेडियस क्या निकल गया, 7। अब जब रेडियस 7 निकल गया तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा यार, 222/7/7, यानी क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और ऐसे भी पता है हम लोगों को, जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 44, तो इसी के मल्टीपल में अगर मेरा 14 होता रेडियस, तो फिर सरकमफ्रेंस क्या होता, डबल हो जाता उसका। ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो और जल्दी बना पाओगे, वरना जरूरत नहीं है, आपके पास इतना समय होता है कि आप बेसिक से भी बनाओगे पेपर तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा सब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या बोला था कि राहुल आपका 7 गुना क्षमता रखता है ऋचा से, जो कि ऋचा आपका किसी काम का 3/4 करने में 28 दिन का समय लगाती है, तो राहुल और ऋचा उसी काम को अगर साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको पता है कि राहुल और ऋचा के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, समझना मेरी बात को, राहुल इज 7 टाइम इफिशियंट, यानी राहुल जो है वो 7 गुना ज्यादा क्षमता रखता है ऋचा से, अगर ऋचा एक काम करेगी तो राहुल आपका 7 काम करेगा। अब ऋचा के बारे क्या बोला था कि ऋचा 3/4 काम करने में 28 दिन लगाती है, तो ये 3/4 काम करने में 28 दिन लगाती है, मेरी बात को समझना, 3/4 काम करने को अगर 28 दिन लगा रही है, इसका मतलब टोटल काम था 4, और 4 काम में से 3 ही काम को करने में केवल 28 दिन लगा देती है, तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ पूरा अगर वो काम करेगी, यानी पूरा का पूरा 4ों काम अगर करेगी, तो कितने दिन का वो समय लेगी, तो कितने दिन का समय लेगी, इतने दिन का समय लेगी, यानी मैं कह सकता हूँ इतना दिन उसको लगेगा पूरा काम करने में। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि रीचा एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम कर रही है, और टोटल आपका इतना दिन लेगी, तो मैं इसी में केवल 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा निकल के आ गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछा था दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ये रहा टोटल वर्क। अब दोनों मिल के काम करेगा तो 8 यूनिट कर पाएगा, तो 8 से बस भाग दे दो, यानी 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 14, यानी 14/3 दिन लगेंगे पूरा काम को खत्म करने में। करेक्ट आंसर 14/3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में पूछा गया था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया था कि कोई गर्ल, ठीक है, और यहाँ पर अगर जिनके भी पेपर आज के दिन में पेपर थे, तो आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सभी लोग मैक्सिमम लोग कमेंट ही देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे कि यहाँ वो क्वेश्चन था नहीं था, उससे और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, और मुझे यकीन है कि सब ये क्वेश्चन पूरे आप लोगों के भेजे गए थे और मैंने वेरीफाई भी किया था, ठीक है।
चलो आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन मैंने सिर्फ इधर उधर से कमेंट में सब देख के मैंने कलेक्ट करने में समय लगा दिया, बाद बाकी आप भी समझदार हो। चलो यहाँ पर क्या बोला था कि कोई गर्ल है यानी कोई लड़की है 18 आम खरीदती है जिसमें से उसका 3 आम खराब रहता है। कोई लड़की है जो कि 18 आम खरीदती है तो जिसमें उसमें 3 आम खराब निकलता है। तो अब वही बोला है कि अगर यदि लड़की अगर 690 आम खरीद रही है तो उसमें से कितने आम परफेक्ट होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। समझे क्वेश्चन को, समझे पहले आप लोग। कोई लड़की है जो कि 18 आम जब खरीदती है तो उसमें से 3 आम खराब निकलता है। अगर वो लड़की अगर 690 आम खरीद रही है तो टोटल कितने आम परफेक्ट निकलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा। तो अब आपको मैं बताता हूं, अब जब आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि जब लड़की 18 मैंगो खरीदती है जिसमें से 3 आम रॉटेन निकलता है यानी खराब हो गया आपका, तो इसका मतलब 18 आम में 3 आम खराब निकल रहा है। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 6 आम में 1 आम खराब निकल रहा होगा, तभी तो 18 आम में 3 खराब निकल रहा है, 24 आम में 4 खराब निकलेगा, यानी 6 आम में 1 आम खराब निकल रहा है। अब टोटल आम लड़की कितनी खरीदी थी, 690 आम खरीदी थी। तो बस देख लो किस कितने तरीके से आपका ये 690 हो जाए, जिससे आपका आराम से मल्टीप्लाई हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और ये 6 एकम 6 और ये आपका 6 और ये 5, यानी 115 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 690 हो जाएगा। अब यहाँ 115 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 115 से गुना करेंगे, इसका मतलब ये बन गया 690 आम। 690 आम जब आपको का वो लड़की जब वो खरीदेगी तो उसमें 115 आम खराब निकलेगा। तो आपसे पूछा था परफेक्ट आम कितने उसके रहेंगे, तो 690 में 115 को लेस कर दो, वही मेरा परफेक्ट आम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा, 575 आम उस लड़की के सही होंगे। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो एक क्वेश्चन आपका ये औसत का पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो जो मुझे याद है तो मैं अभी ये बता दूंगा कि कौन से शिफ्ट का थे। यहाँ पर क्या बोला गया था, ये क्वेश्चन को समझना, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, ठीक है ऐसी लिखने का चाह रहे होंगे जो भी लिखे होंगे, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों संख्याएं समान हो। यानी नॉर्मली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आपसे पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर वेयर ऑल 3 डिजिट आर सेम। समझ आया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर 3 अंकों की ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंकियां समान हो, यानी अब आपको समझ आया, यानी अगर मैं खुद से अगर मानू 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो तीनों अगर समान होगा तो यानी नंबर क्या होगा, 111, 222, 333, 444, 555, उसी तरीके से 666, और भी क्या है, 777, 777, 888, और लास्ट आपका हो गया एक 999। समझ आया, इसी का तो आपसे औसत पूछा है। अब आपको पता है औसत मेरा क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब मेरी बात को समझना, इसका जरूरत आपको अभी पढ़ने का नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे 515 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि औसत मेरा क्या होता है, बीच वाला नंबर औसत कहलाता है। मेरी बात को समझो, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ये आप समझ जाओगे। अभी मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने क्या बताया था, औसत मेरा बीच वाला नंबर हमेशा होता है, मगर उसके लिए एक कंडीशन भी था, मगर उसमें आपको देखना होगा कि सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, तभी जाके मेरा बीच वाला नंबर मेरा औसत कहलाएगा। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है कि नहीं है, तो अब उस वाले नंबर में अगर आप बात करोगे 111, 222, तो सभी में डिफरेंस कितना कितना का डिफरेंस था, 111 11 का डिफरेंस था कि नहीं था, यानी डिफरेंस सेम था। जब डिफरेंस सेम है तो यानी बीच वाला नंबर मेरा क्या होगा, औसत कहलाएगा। अब देख लो टोटल अगर आपका 9 ठो नंबर है तो यहाँ से 4 नंबर हटाओ और यहाँ से 4 नंबर हटाओ तो बीच वाला नंबर क्या होगा, यही, तो यही मेरा औसत कहलाएगा यानी 555। चलो अब मैं समझ गया कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये भी दमदार क्वेश्चन था, ये फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था। क्या बोला गया था कि एक वृत्तकार, ठीक है एक वृत्तकार रोलर है जिसका एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है। फिर क्या बोला, 1.408 किलोमीटर चलने में उसके द्वारा तय किए गए
घन मीटर चक्रों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन जबरदस्त है और ये पूरा हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया था कि कोई एक रोलर है, वृत्त रोलर, आप जानते होंगे रोलर, उसका एरिया दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है आपसे, इतना बोला है कि जब आपका वो चक्का इतना किलोमीटर चलता है रोड में तो कितना बार वो आपका रेवोल्यूशन लेगा, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपसे पूछा है कि वो कितना बार वो चक्का घूमेगा आपका इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपसे अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा है यानी अगर आपसे चक्रों की संख्या पूछ रहा है कि कितना वो संख्या घुमा होगा इतने डिस्टेंस में, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब चक्का घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि एक बार जब चक्का घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर हमको ये पता चल जाएगा तो आप टोटल डिस्टेंस को एक से भाग दे दोगे तब आपको पता चल जाएगा भैया वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना वो बार घुमा है, समझ आया। अब आपको पता होगा कि जब एक बार जब चक्का घूमेगा तो वो चक्का का जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, उस चक्का के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी ऊपर परिधि के ना पूरा एक बार घूमेगा, बस यही था क्वेश्चन में चीज। अब आपको एरिया दे रखा था यानी पाई आर स्क्वायर दे रखा था 0.64, क्वेश्चन में जो जो दे रखा बस वैसे ही करके बनाएंगे, ठीक है। 0.4 यानी अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है ना, ये भी तो ध्यान देते चलो मेरे भाई, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी आर का वैल्यू क्या हो गया, 0.8 मीटर हो गया। अब आपको पता चल गया सरकमफ्रांस निकाल लोगे बड़ी आसानी से, सरकमफ्रांस क्या हो जाएगा 22/7, चूंकि अभी आपको पाई का जरूरत नहीं है, अभी आपको पाई का हम पाई रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और आर मतलब आपका क्या है 0.8, यानी मैं लिख सकता हूँ 0.8 मीटर, यानी टोटल क्या हो जाएगा 1.6 पाई, ये हो जाएगा एक बार जब डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा चक्का तो इतना आपका ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस कितना था 1.408 किलोमीटर है, तो किलोमीटर है तो मीटर से हम चेंज मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, कर देंगे ना, तो 1000 से जब गुना करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी ये हो गया इतना मीटर, और एक बार जब आपको घूम रहा है चक्का तो कितना लग रहा है 1.6 पाई, तो 1.6 पाई, पाई का वैल्यू अब हम लोग यहां पर बैठा देते हैं 22/7, तो 7 को क्या करेंगे डायरेक्ट ऊपर लेके आ जाते हैं खत्म। अब एक अगर पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 0 चिपकाना पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। अब सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास क्वेश्चन में, सॉल्व कर लो। तो 22 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 64 बार में कट जाएगा, यूनिट जैसे दिख रहा है, ठीक है। अब 16 से काटेंगे 4 बार में कट रहा है, यानी 4 × 70 कितना हो जाएगा 280, तो जिनके भी आए थे 280 रेवोल्यूशन तो उनके करेक्ट आंसर होंगे, यानी वो 280 बार घूमेगा, करेक्ट आंसर 280। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा गया था, क्या बोला था, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, अगर अगर वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो ए वर्क को स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ये क्वेश्चन अल्टरनेट डे का पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में, तो एक क्वेश्चन अल्टरनेट डेज का पूछा था, तो जैसे आप बनाते हो वही बनाओ, टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ये 2 काम करेगा, ठीक है, ए आपका और ये आपका 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि स्टार्ट कौन कर रहा है काम को, ए काम को स्टार्ट कर रहा है पहले, ए अगर काम को स्टार्ट करेगा तो पहला दिन 2 काम करेगा, फिर वो दूसरा दिन रेस्ट लेगा, दूसरा दिन जब रेस्ट लेगा तो कौन आएगा काम करने के लिए, बी आएगा, यानी मैं कह सकता हूं 2 दिन में काम कितना हो रहा है, ये समझो 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 3 काम हो रहा है, आपको पता है टोटल काम कितना है 20 काम है, तो 10 से गुना मत कर देना मेरे भाई, ठीक है, 10 से गुना कर दोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का टारगेट होता है कि ये 3 को 20 किसी भी हालत में बनाना, तो उल्टा पुल्टा मत करना, आराम से करना, क्योंकि अल्टरनेट में गलती हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 6 दिन 6 से गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी मैं 6 6 6 ठो पेयर बनाया हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो, टोटल 12 दिन लग गए, यानी 12 दिन में टोटल कितने काम हो रहे हैं आपके, 18 काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 6 ठो का पेयर बना लिया था, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया था, 2 और 1 3 यहाँ 3 हो गया था ना, ठीक है, 3 आपका यहाँ पर काम हो गया और मैंने ये आपका
पेयर बनाए थे तो 6 से मैंने गुणा कर दिया इस पेयर में, तो यानी टोटल 12 दिन में आपका 18 काम हो पाया है। अब आप लोग मुझे बताना, जो काम शुरू करता है, अब आपका अब लास्ट में जो काम खत्म किया होगा वो बी किया होगा कहीं ना कहीं, अब फिर दोबारा कौन शुरू करेगा? ए ही करेगा। तो अब आपको जो नेक्स्ट जो 13वां डे जो होगा वो कौन आएगा काम करने के लिए? ए आएगा, और ए आपका एक दिन में दो काम कर रहा है, यानी 18 और 2 20, यानी टोटल आपके 13 डेज लगेंगे, बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का वैल्यू दे रखा था, आपसे पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछा था, ये आपका क्वेश्चन था, ट्राई कर सकते हो जल्दी से। अब आपसे ये वाला पूछा है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू, आपको मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मतलब फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर क्यूब कर दे रहा हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, एक्स वाई का वैल्यू पहले से मेरे पास निकल के आया 18, और एक्स प्लस वाई ये आपका ये भी निकल के आया है 4, और 4 का वैल्यू, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू ना निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 64 का 64 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 18 चौके 72, और 72 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा? 216, यानी ये 216 यहाँ आ गया। अब इसी 216 में आप 64 को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 152, यानी माइनस में 152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी दमदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट सीट में पूछा गया था कि सेकंड सीट में पूछा गया था, पता नहीं फर्स्ट सीट में शायद पूछा गया था। यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू पूछा था, अब ये वाला डेटा भाई ने लिख रखा था, तो इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये डेटा कुछ इस तरीका से है। अब आप लोग उसको एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, ये 320 है, एक्स का वैल्यू पूछा। आपको पता है कि देखो ये चीज को मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, 2 के पावर में एक्स लिखूंगा और फिर एक आपका इनटू 2 के पावर में -1, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत है समझने का, उसी तरीके से इनटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 320 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है अभी तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है ना? अब आप समझो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप, एक सेकेंड मैं इसको एक बार हटाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ गया, ठीक है। मैं बहुत जल्द आने वाले समय में बोर्ड का भी व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी इतने दिन तक मैं मोबाइल में पूरा काम चलाया हूँ, आप लोगों का सपोर्ट था अच्छे तरीके से, मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में बोर्ड पर आप लोगों को अच्छे तरीके से बता पाऊँ, क्योंकि मेरे भी कुछ मजबूरियाँ रहती है जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बताने मैं चाहता भी हूँ ना उस जगह पर, तो मुझे आपका उस चीज़ को बैक लेना पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ से आप लोग थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन जो था आप समझ गए क्या था, मैंने क्या लिखा था कि 2 के पावर में एक्स है और ये जो 2 के पावर में -1 था, तो इसका मतलब वो 2 नीचे होगा क्योंकि वही चीज़ ऊपर चल जाता है तो क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये तो आपका खत्म हो गया, प्लस 2 के पावर में यहाँ एक्स था और इंटू 2 था, ये था 320। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर दे रहे हैं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 2 2 से आपका 2 कट गया, यानी 2 के पावर में एक्स आ गया और ये 4 इंटू 2 के पावर में एक्स आ गया और ये क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा, समझ आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का पावर में एक्स को कॉमन ले ले रहा हूँ, बस खेल यही खत्म हो गया आपका, समझ आ रहा है आपको? 2 के पावर में एक्स को मैं यहाँ पर कॉमन ले ले रहा हूँ, यानी 1 और 4 क्या हो गया? 5 हो गया, यानी 5 को आप इससे डायरेक्ट से काट सकते हो, कितने बार में कट जाएगा? 13 13 13 5 65, सॉरी 13 5 65 कैसे हो जाएगा, तो कम है ना, तो कितना हो जाएगा? 13 5 से काटेंगे तो 12 5 60 होगा, तो 12 5 60 और 4 और 8 यानी 128 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 के पावर में एक्स इक्वल टू 28 है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, 2 के पावर में एक्स इक्वल टू 128, अब तो सभी लोग यहाँ से बना लेंगे, 128 मतलब क्या हो जाएगा? 32 64 28, यानी 2 के पावर में 7, यानी आपका बेस सेम हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से भी बना सकते थे, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं क्या करता, समझ गए बात को? तो आप ऑप्शन से भी बैठा के चेक कर लेते, राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाता तो यानी सही हो जाता। चलो एक क्वेश्चन किसी ने ये भेजा था, एलसीएम
बता रखा था एचसीएफ, बता रखा था, यानी किसी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था, एक संख्या बता दिया था और आपसे दूसरी संख्या पूछा था। ये तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन हो गया अभी, जितने भी एनटीपीसी मतलब अभी के जितने भी शिफ्ट में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन देखने मिल ही रहे हैं, और नहीं भी मिल रहे तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, यानी उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखो ये एलसीएम कितना दे रखा है, 84 गुना 6 गुना पहला संख्या 42 और दूसरा संख्या आपसे पूछा है, तो 82 से काटोगे 2 बार में, यानी 6 गुना 2 12, यानी दूसरी संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था आपसे, ये भी फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्या बोला था कि चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर आर एस और पी क्यू व्यास है, फिर क्या बोला है कि पी क्यू आर 40 डिग्री है, तो कोण पी एस आर का बताओ मान, कोण आपसे पूछा पी एस आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा बस बोला बस वैसे करने की कोशिश करो। ये सब चीज मैं बता चुका हूँ ज्योमेट्री वाले वीडियो में भी, क्या बोला है कि कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कोई एक सर्कल है और उसके अंदर में चतुर्भुज है, चूंकि एक लाइन यहां पर ध्यान देना क्या बोला था कि पी क्यू व्यास है यानी पी क्यू डायमीटर है। अब यानी ये आपका कुछ इस तरीका से मान लो, ये मान लेता हूँ मैं P, ये हो गया Q और ये हो गया सॉरी यहाँ हो गया R और यहाँ हो गया S। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पी क्यू समांतर है आर एस का, यानी ये वाला साइड पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू व्यास है साथ में, यानी ये वाला डायमीटर है। अब आपसे बोला था कि पी क्यू आर अगर 40 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल अगर आपको बता दिया 40 डिग्री है, तो आपसे पूछा था पी एस आर, यानी ये वाला एंगल पूछा था सिंपली। अब आप जानते हो चतुर्भुज में आमने सामने वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 का होता है कि नहीं सम, अगर ये 40 है तो ये क्या होगा, 140 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 140 डिग्री। अब कई सारे लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अलजेब्रा का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू दे रखा था, आपसे इतना का वैल्यू पूछा था, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू पूछा था। अब इसको भी कैसे बनाओगे, वही चीज है, केवल आपको यहाँ पर 2 टाइम्स आपको सॉल्व करना होगा। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को एक्स वाई का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको ये वाला वैल्यू निकालने के लिए 2 टाइम्स पहले आपको एक्स वाई का भी वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई का प्रोडक्ट में एक्स और वाई का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो पहले मैं क्यूबिक करूंगा इसको, आप लोग उसको ट्राई करो, मैं बता देता हूँ जल्दी से, इन दोनों को मैं क्यूबिक कर दे रहा हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला हो गया, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इतना का वैल्यू आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, कितना, 12। 3xy का वैल्यू कितना है, 4, और ये xy यहाँ आ गया, यानी 64 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि ये उधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया। अब ये 12 नीचे आ जाएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52 और 3, यानी एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया है, 13/3। समझ गए, एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया है, 13/3। अब देखो इसका ये वैल्यू याद रखना, एक्स वाई का प्रोडक्ट है 13/3, मैं इसको अब हटाता हूँ, इसका इतना ही काम था, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए 13/3। अब आपको पता है एक बार पहले स्क्वायर करेंगे, जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ पर आपका आके क्या होगा, लेस हो जाएगा, यानी 2 × 13/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 गुना 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 × 2 = 32 और 32 और 13 × 2 = 26, यानी 26/2 हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज दिया बस वही चीज कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 6/2 आ जाएगा। ओह सेठ, डॉग बार कर रहा, कोई बात नहीं, चलो हटाओ। तो क्या जाएगा, 16 × 2 = 32 और 26, 32 में 26 जाएगा 6/2, यानी 6/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा निकल के। अब देखो इतना का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है, मैं इसको इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई अब काम नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, यानी मेरा क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3। अब एक बार और स्क्वायर कर दो, अब एक बार और स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x² y² = 9, याद रखिएगा।
अब आपको यहां पर समझना होगा कि जब मेरा एक्स वाई का वैल्यू क्या था, 13/2 था, तो यही चीज को मैं यहां ले आ रहा हूं, जो कि 2 का गुना होके, तो 13 का क्या हो जाएगा, 169/4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 बार में, यानी मेरा ये वैल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरा ये कुछ आंसर आ रहा है, समझ गया बात को, यही चीज आपको करना था घुमा फिरा के। चलो अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला देखना, तो ये वाला क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी लगा। क्या बोला गया था कि कोई तार का व्यास 5% घटाने पर ऊंचाई में कितना परसेंट कमी करे कि आयतन वही रहे। तो सबसे पहले तो आप समझ सकते हो, अगर कोई तार का व्यास को अगर आप 5% घटा रहे हो, तो ऊंचाई को भी अगर आप घटा दोगे तो फिर आयतन सेम कैसे रह सकता है, यानी ऊंचाई को फिर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, तभी जाके आप आयतन सेम कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अब चूंकि मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, अगर आयतन को बढ़ाने वाला जो क्वेश्चन बन गया ना, ये वाला जो क्वेश्चन अगर आया होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन में कभी भी अगर इस तरीके से दे रखा है, या तो ये तुमको थोड़ा सा याद नहीं रहा होगा, या तो फिर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से सिंपल सा दिया होगा कि कोई सी तार का व्यास को 5% घटा रहे हैं और ऊंचाई को 20% घटाएंगे, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन वैसा हो सकता है जो आप आसानी से फिर डील कर पाओगे। बात समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो बस आप उसको डील कर सकते हो वैसे भी। चलो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर हटाता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सीआई से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल दे रखा था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है पूरा एकदम हूबहू। प्रिंसिपल दे रखा था 5,000, रेट आपका 10% का था, टाइम था 3 साल का, सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा था। बता दो आप लोग, मेरे अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए तो 1 सेकंड का कमाल होगा। 10% का रेट से अगर आप बात करेंगे सीआई में, तो क्या हो जाएगा, सीआई में नहीं पहले एसआई में बात करेंगे, 10 साल के लिए अगर 3 साल का अगर ब्याज दर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 3 यानी 30% हो जाएगा। अगर उसी तरीके से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करेंगे 3 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा, 33.1%। अंतर कितना परसेंट का दिख रहा है, 3.1% का अंतर दिख रहा है। तो ये जो रेट में जो डिफरेंस है, वही आपका प्रिंसिपल में भी डिफरेंस देके आपको डिफरेंस निकालेगा। यानी मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा यार ये था कि 5,000 का आप 3.1% निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगा, 5 और 5 3 15, 155 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उफ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये आपका अनुपात था, ए और बी का अनुपात दे रखा था, आपसे फाइंड करने बोला था ये वाला चीज, ठीक है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगर अनुपात ही दे रखा और आपसे अनुपात ही पूछा है, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ए और बी अगर मेरे को 3 और 5 दे रखा है, तो डायरेक्ट से आप पुट कर सकते हो, तो 2a+b है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ये आपका 3a-2b है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 2 6, ए का वैल्यू 3 है, तो 3 2 6 और 6 5 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 5 2 10, यानी इसका हो जाएगा -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 11/-1, ठीक है, या फिर -11 भी आप इसको देख सकते हो, जो भी ऑप्शन में रह सकता है। चलो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अच्छा एक क्वेश्चन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में शायद मेरे ख्याल से ये पूछा गया था। क्या बोला गया था क्वेश्चन में समझना, बड़ी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है मगर ट्रिकी, हल्का से समझने लायक क्वेश्चन है। क्या बोला गया था कि एक बॉक्स में मैंगो है जो हर मिनट में डबल हो जाता है और 30 मिनट में बॉक्स भर जाता है, 30 मिनट में बॉक्स भर जाता है, तो बॉक्स आधा कितनी देर में भरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ट्राई करो आप लोग एक बार, एक बॉक्स में आम है जो कि हर मिनट में डबल हो जाता है और 30 मिनट में बॉक्स भर जाता है, तो आधा कितनी देर में हुआ होगा, ये आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा। तो आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, अगर 30 मिनट है ना, अगर 30 मिनट में अगर ये पूरा भरा है ना, तो जस्ट 1 मिनट पहले यानी 29 मिनट में ये आपका पूरा, आप सोचो लॉजिक से सोचो थोड़ा देर के लिए, अभी मैं बता भी दूंगा, आप सोचो 29वां मिनट में उसका पूरा आधा हुआ होगा, क्योंकि 30 मिनट में पूरा फुल हो गया रहा। मेरी बात को समझना, मैं बहुत क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ, पहले आप समझो, मैं बना दूंगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझो। अगर ये 30वां मिनट में 100% हो जा रहा, तो इसका मतलब 29वां मिनट में ये 50% रहा होगा, तो तभी तो जाके हर मिनट में डबल हो रहा है, तो ये हो गया ना 50%, आपका मतलब 50 का डबल 100 हो गया,
100% हो गया 30वां मिनट में, यानी आपसे पूछा था आधा कितने देर में भरा होगा, तो आधा कितने देर में भरा है मेरे भाई, 20 मिनट में भरा है कि नहीं भरा है? तो बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 20 मिनट, 29 मिनट। ये बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आपको अगर चाहिए सॉल्यूशन तो आप मान लो मेरे भाई कि एक्स आपका पहले से इनिशियल मैंगो है, अगर 1 मिनट में, अगर आपका हर मिनट में डबल डबल हो रहा है तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दूसरा मिनट में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इसी तरीके से आपका पूरे 30 मिनट में क्या हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को? 2 मिनट में देखो, 1 मिनट में 2x हो गया, 2 मिनट में क्या हो गया, 2 के पावर में 2x हो गया, 2 के पावर में 2x में लिख सकता हूँ। उसी तरीके से 3 मिनट में क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो, डबल हो जाएगा, यानी 8x, 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 3x हो जाएगा, यानी 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 30, ठीक है, 2 के पावर में 30 × x हो जाएगा। बस यार यही तो है, अब आपको जो पता चल गया, यानी ये इतना, इसको इतना लग रहा है पूरा आपका, ये टोटल है, तो आधा इसका करेंगे क्या, 2 से भाग दे के, यानी 2 से जब आप भाग दोगे तो 1 तो कट जाएगा ना, 2 के पावर में 29 आ जाएगा, यानी इतना आधा होगा, और इतना को भरने में कितना समय लग रहा होगा, 29 मिनट लग रहा होगा, तभी तो 2 के पावर में 29 है ना, यही तो चीज समझ मैंने आपको बताया। पहला मिनट में 2 है, दूसरा मिनट में क्या होगा, 2 के पावर में 2, तीसरा में क्या होगा, 2 के पावर में 3, तो ये 2 के पावर में 29 होगा, तो मतलब कि वो आपका कितना रहा होगा उस समय, 29 मिनट ही चल रहा होगा, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन था, ये इसके बाद आपका खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है जो मतलब कि बात बाकी वो टाइप उप नहीं हो सके, क्वेश्चन क्या क्या थे वो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वाकई में। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका था, x+1/x का वैल्यू समथिंग 9 दे रखा था आपसे, शायद x³+1/x³ का वैल्यू पूछ रहा, तो इतना बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन अलजेब्रा का और था कि a+b+c इसका वैल्यू आपको दे रखा था, यानी ये गिवन था। फिर नेक्स्ट में आपको ABC का भी गिवन था, गिवन था, ठीक है, जी फॉर गिवन। और साथ में आपको फिर नेक्स्ट में आपको AB BC CA ये भी आपको गिवन था। आपसे बताओ क्या पूछा होगा क्वेश्चन में, ये पूछा था फर्स्ट स्टेप में, a³ + b³ + c³ - 3 ABC, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट के ऊपर बना सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, ट्रेन वाला क्वेश्चन, कि एक ट्रेन यहाँ से आता है और एक ट्रेन यहाँ से आता है, एक का स्पीड था 70 और एक का स्पीड था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूरा एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है, एक का स्पीड था 70 और दूसरे का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन का लंबाई बता दिया, ये 300 मीटर का लंबाई है, आपको बोला है कि दोनों एक दूसरे को कुछ एक सर्टेन टाइम में एक दूसरे को पार कर लेता है, समय भी दे रखा था आपको, टाइम भी गिवन था, आपसे इस ट्रेन का लंबाई पूछा था, तो बना सकते थे ये भी क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है क्या, मैंने बता दिया सब आपको लगभग, हाँ सब बता दिया मैंने, ठीक है। और भी बहुत सारे थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, बाद बाकी जो था आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो मैंने क्रॉप करके बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और इस वक्त अभी 11:40 हो रहे हैं, मैं ये वीडियो का वाइंड अप यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी जस्ट मैं ये वीडियो को आपका अपलोड भी कर दूंगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बाद बाकी अब तक ये पहुँच जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर अभी इस वक्त देखोगे ना, मैंने देखा NTPC का जो रियल क्वेश्चन जो स्टूडेंट आके बाहर बताते हैं मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान मैथ पे और होता है, बाद बाकी GK GS का क्वेश्चन तो ठीक है, आपके क्वेश्चन जो और लोग बड़े बड़े चैनल में, बड़े बड़े चैनल को, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो मर्जी वो कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल भी ना ये फर्जी वाला जो काम कर रहे हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो बाद बाकी मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि देखो, उतना ही एनालिसिस वीडियो देखो जितना सा आपका काम चल जाए, बाद बाकी ज़्यादा अगर आप देखने लगे कि पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको ढूंढने अगर लग गए ना, तो यकीन मानो आप फिर पागल हो जाओगे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अंदर से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बोलूँगा उतना ही दिमाग लगाना जितना दिमाग लगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोशिश आप लोग मत करना, बाद बाकी रेस्ट आपकी मर्जी है, जो समझना समझो। मेरा पास ये जो क्वेश्चन था जो ऑथेंटिक मुझे पूरा लगा है, और जिन जिनके भी पेपर ये 4 जनवरी में थे, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आप इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ,
सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा ये जो चैनल है वो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए पूरा डेडिकेटेड चैनल है, तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।